हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही तो भाई चला लो, इतने सालों बाद पेपर हो रहा है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से करवाया, कैंपेनिंग वगैरह करवा के वो भी, ठीक है। तो आज टॉपिक पे आते हैं, सीधे पॉइंट पे, कि हम देखने वाले आज की वीडियो में यार इतने पेपर हो गए। मान लो CBT 1 का पेपर हो गया आपकी बार का 2020 जो अभी हुआ है, CBT 1 का। उसके पिछली बार का होगा CBT 2 हो गया, प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर 2017 में जो पेपर हुए थे, मतलब 2016 की जो भर्ती थी। तो इसमें देखोगे कब से कब तक पेपर हुआ था यार, 28 दिसंबर से लेके 2020 से चला था, और कब खत्म हुआ था, 31/7 को खत्म हुआ था, 31/7/21 में। तो इसमें कितनी शिफ्ट हो गई, 133 शिफ्ट हो गई। तो ऐसे CBT 1 इस साल का, जो पिछले साल का वो भी हो गया, प्रीवियस ईयर का वीडियो हो गई, पेपर हो गए, 9 पेपर ये हो गए, ऐसे ग्रुप डी के हो गए। तो यार कैसे करें इतने पेपर, ठीक है, उसको देखने वाले हैं। चलिए तो वही देखते हैं आज। देखिए उससे पहले समझे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है यार हमारे लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट से भी तैयारी हो जाएगी, वैसे रिवीजन हो जाएगा, पर प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। कई बच्चों को ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्यों नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट समझो प्रीवियस ईयर की। जो बच्चे नहीं करते ना वो बहुत पीछे रह जाते हैं। आज मैं समझाऊंगा क्यों, 2 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं कि कैसे करें बहुत जल्दी से, ठीक है। पहले ये तो समझ लो करें क्यों, क्यों भाई मेहनत करें इतनी और फिर करें भी क्यों। तो ये समझो, देखो जैसे यार रीजनिंग कर रहे हैं, अब मान लें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में रीजनिंग आती है। तो अब देखो यार, अब रीजनिंग में जो SSC की तैयारी कर रहा है वो बच्चे को ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे पजल भी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है भाई। एक पैराग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़े लेवल थोड़ा कम रहता है, ठीक है। और क्या, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। और सीरीज वगैरह थोड़ी आसान आती है। तो ये चीजें सारे प्रीवियस ईयर से पता चलेगी। अब जैसे मैथ है, मैथ में उसको पता ही नहीं चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़े बहुत एग्जांपल। ऐसे तो पता नहीं पूरे प्रीवियस ईयर करोगे ना तो कितने टॉपिक आपको पता चलेगा कि नंबर सिस्टम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जैसे SSC की तैयारी करेंगे, उसको पता है CI वगैरह बहुत अच्छे से नहीं करते कई बच्चे, क्योंकि उसमें पता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं और एक दो क्वेश्चन आते हैं। पर यहाँ पे यार 35 क्वेश्चन में भी से 2-3-4-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं CI के, कई बार तो कई शिफ्टों में। तो CI कितना इंपॉर्टेंट था, CBT 2 के पेपर देखोगे तो, ठीक है, CI कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो मैं एग्जांपल एक दो दे रहा हूं। तो ऐसे करके हमें पता जब ही चलेगा यार पेपर किस टाइप का आ रहा है। जैसे GS का पेपर है, अब करंट के क्वेश्चन उस साल भी रेलवे से रिलेटेड किस टाइप के करंट के क्वेश्चन आ रखे, डांस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है, अवार्ड से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा पता चलेगा हमें प्रीवियस ईयर से। मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट वाले के तो मूड पे डिपेंड है कि यार मैं हार्ड बना देता हूं तो हार्ड बना दिया उसने, तो आसान बना दिया तो बना दिया, तो वो तो पता नहीं, पेपर तो उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। पेपर तो वही जो पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पे चला जाता है। जैसे TCS का पैटर्न बन गया है कि यार कैलकुलेटिव पेपर देंगे, करंट अफेयर देंगे, तो ये पैटर्न उन्होंने बना लिया। ऐसे हर पेपर का पैटर्न होता है कि भाई UPSC में भी जब भी ये कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस अकॉर्डिंग हमारे प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया प्रीवियस ईयर करने क्यों है। अब समझ में आया, करो समझो यार। अब देखो कई बच्चे सोच रहे हैं 40 दिन बचे हैं, ठीक है, अब प्रीवियस ईयर करूं, रिवीजन करूं, या किसी मॉक टेस्ट दूं, या क्या क्या जो मैथ के टॉपिक रह रहे वो करूं, क्या करूं। तो इसकी टेंशन छोड़ दो, देखो इसकी टेंशन आज 1-2 मिनट में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कैसे कैसे। देखिए पहले उससे पहले समझिए एक बात को, समझिए, देखिए ये समझिए कि SSC और IB ने देखिए क्या क्या पेपर एनालिसिस करवाना बंद करवा दिया। जो पहले यूट्यूबर वगैरह जो बड़े यूट्यूबर थे, जो अच्छे यूट्यूबर थे, जो भी पेपर एनालिसिस करवाते थे कि भाई आज के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए ये वगैरह, तो SSC ने भी आपको पता होगा इस साल बैन कर दिया, ठीक है। और IB ने तो पहली बार में ही कर दिया था बैन, ठीक है। तो SSC ने बैन कर दिया, और उससे देखो कि कट ऑफ में भी फर्क पड़ा है। बच्चे क्या करते थे कि जैसे मान लो पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है ना, वही आपको पता है टॉपिक तो सेम ही होते थे। जैसे मान लो डांस का क्वेश्चन आ रखा है, तो इस बार डांस के क्वेश्चन ये इस स्टेट का पूछ लिया, अगले में उस स्टेट का पूछ लिया। महात्मा गांधी पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इस शिफ्ट में क्या करेंगे, महात्मा गांधी के बारे में कुछ और पूछ लिया, अगले में किसी अगला उस टाइप का कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। भगत सिंह के बारे में जैसे क्वेश्चन आ रखे थे, तो वो बताऊंगा मैं भगत सिंह की कहानी क्या हुई थी हमारे साथ, ठीक है। तो भगत सिंह के बारे में एक शिफ्ट में पूछ रखा कि मतलब 1924 में HSA की स्थापना की थी ना, ऐसे अगली में 1928 में HRSA की स्थापना की थी। तो ऐसे करके
क्वेश्चन वही टॉपिक वही रहते हैं उनके पास, तो इसलिए इन्होंने एनालिसिस ही बंद करवा दिया कि भाई एनालिसिस मत कराओ। तो इस बात को समझो, क्यों इस बात को समझना चाहिए एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब उससे एग्जांपल दूसरे पे आओ, जैसे अब सीबीटी 2 क्या हुआ था, देखो मैं बता रहा हूं यहां पे इंपॉर्टेंस क्या दी थी, टॉपिक को इंपॉर्टेंस दी थी कि भाई टॉपिक ही तो वही तो टॉपिक आ रहे हैं, समझ रहे हो, वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे मैं सीबीटी 2 की मैं एनालिसिस करवा रहा था तो हमारा क्या फोकस था ना कि भाई बच्चों को क्या करें कि टॉपिक ढूंढ ढूंढ के करवाएं। जो हमने सीबीटी 2 की सीरीज करवाई है उसमें जैसे 24 वीडियो में करवाया था वो, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया कि बच्चों को टॉपिक ढूंढ ढूंढ के दूं, सीबीटी 2 2017 में पेपर हुए थे उसके टॉपिक ढूंढ ढूंढ के दूं, वो करवाऊं अच्छे से कि महात्मा गांधी का टॉपिक, जैसे ये मैं टॉपिक लिखे भी थे मैंने, ये सारे टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर का था, ये स्कैटरिंग लाइट का, कुछ टॉपिक जो मिले ये सारे इसमें भर भर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में। तो प्रॉब्लम क्या हुई, मैं वो एनालिसिस ही नहीं करवा पाया। पहले तो बच्चे आंसर नहीं दे रहे थे, पहली शिफ्ट करवाई उसमें बच्चों ने इतने आंसर नहीं दे रहे, अगली जब शिफ्ट करवाने लगा ना तो सारे बच्चे आंसर दे रहे, ठीक है। तीसरी शिफ्ट में करवा के तो मैंने छोड़ ही दिया, मैं क्या ही कराऊं, अब तो सारे टॉपिक ही हो लिए, अब मैंने महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ा दिया, तो एक चीज में महात्मा गांधी के बारे में ये पूछ रहा अगले में वो बता रहा, अब मैं बार बार करवाऊं तो क्या करूं भाई, वही टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन पे, और मैंने सारे टॉपिक करवा दिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लेके शिफ्ट में। अब वही बस समझो, अब मैंने 24 देख लो 24 वीडियोस बनाई मैंने, सिर्फ कितने पेपर के लिए, दो पेपर तो नहीं थे, तीन पेपर हो ही गए थे, ऑलमोस्ट तीन हो गए थे, फिर टॉपिक बहुत ज्यादा रिपीट होने लगे, फिर मैंने रोक दिया। तो तीन मतलब आप नू समझ लो, तीन पेपर में हमने 9 पेपर का काम कर लिया, 9-10 पेपर जो भी थे, ठीक है, तीन पेपर भी मैंने ज्यादा बता दिया, 2 पेपर में हो गया था, फिर उसके बाद ये कहने लगा था पिछली वीडियो में बता चुका, तो वो करके फिर हमने बंद कर दिया कि भाई चलो ये सीरीज अगली सीबीटी 1 पे आते हैं। तो ऐसे ही करके अब हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सीबीटी 1 की, जो सीबीटी 1 2020 के से 21 के बीच में हुए थे पेपर, उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अब शिफ्ट तो होंगी 133, पर आप समझिए 133 शिफ्ट है, इस पे नहीं जाना, हमें ढूंढने 133 टॉपिक। मैं करवाऊंगा कुछ लिमिटेड शिफ्ट, जो अच्छे अच्छे शिफ्ट है वो करवाऊंगा, पर टॉपिक नहीं छोड़ूंगा कोई भी भाई जिस टॉपिक से। फिर आप देखोगे आप मैं 10 पेपर भी करवा दूंगा ना तो आप लोग कहोगे 133 की सर जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि 133 में से जो हमारे टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे डांस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखे है, मॉक पिक के क्वेश्चन आ रखे है, तो मैं सारी टॉपिक क्लियर करवा दूं आपके। तो मैं बार बार टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आप यार वो गधा मेहनत हो जाती है कि 133 शिफ्ट करो और फिर आप बिना मूड के कर रहे हो और कर दिया बस शिफ्ट होगी, ये पहला पेपर दूसरा सॉल्व हो गया और आपको पता है अगली बार वो क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस आपकी टॉपिक्स की होती है, हर टीचर कहेगा मॉक टेस्ट दो एनालिसिस जरूर करो, हर टॉपर यही कहेगा मैंने खुद ने 4 साल तैयारी की है एसएससी टेस्ट के लिए करें तो मेरे को पता है एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या होती है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका उस क्वेश्चन का, जैसे महात्मा गांधी पे किसी मॉक टेस्ट पे दिया है तो आपको महात्मा गांधी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 133 आप मेरे पे छोड़ दीजिए, ये कैसे करवाने फास्ट टेस्ट वो मैं करवाऊंगा, आपका 40 दिन में ये समझ लो आपका पूरा क्रैश कोर्स होगा मॉक टेस्ट के रूप में, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा वहां से टॉपिक लूंगा और वो आपके टॉपिक करवाता जाऊंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 24 वीडियो हो चुके हैं सीबीटी 2 की, अगर वो नहीं देखी तो आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स बाय अंकुर यादव, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे इंपॉर्टेंट होने वाले ग्रुप डी के लिए भी और किसी एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई महात्मा गांधी से ग्रुप डी में पूछेंगे और इससे किसी एनटीपीसी में नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो दोनों बच्चे दे सकते हैं ध्यान, किसी जो ग्रुप डी के लिए भी ये सीरीज होगी और किसी उसके लिए भी, और पूरा आपको देख लो फ्री में पूरा कोर्स मिल रहा है क्रैश कोर्स पूरा रिवीजन करवाने के लिए, और वो भी कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं मिल सकता कि भाई आपको ये ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कौन सा टॉपिक अनइंपॉर्टेंट है, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ हो रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा। तो बस अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, बस इतना ही रखते हैं। अब वीडियो शायद 9 बजे से मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, किसी 9 PM लगभग के करीब वीडियो आया करेंगे अपनी, जो प्रीवियस ईयर सीरीज जो स्टार्ट हो रखी है अब स्टार्ट होगी सीबीटी 1 की, ठीक है। तो आप उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। जाने से पहले एक चीज और बता दूं, देखो हमने ग्रुप बनाया हुआ है मॉक टेस्ट ग्रुप, उसमें व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उस ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। क्या होता है ना, बच्चे 120 में से मान लो 80 नंबर लेके आ रहे हैं तो उस पर खुश हो गया, 70 पे खुश हो गया, अच्छे अच्छे बच्चे 70-80 पे खुश हो जाते हैं कि हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। पर आप देखो उस ग्रुप में बच्चे लेके आ रहे 100-100 से ऊपर, तो उनके साथ रहोगे ना तो आपको ये पता चलेगा, पुश करेगा वो कि यार हाँ मेरे को भी लेके आना चाहिए, तो वहां पे बच्चे डाउट भी सोल्व कर देते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो वो उस ग्रुप में जुड़ना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। और ये मैंने दिखाई दिया था कि हमारे सीबीटी 2 के टॉपिक थे जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सीरीज आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। यहां पर आपको चल रहा है ऑफर, आपको पता है हमारा कोड यूज करने पर UMANG उमंग स्टडी कोड यूज करने पर आपको मिलता था 10% डिस्काउंट, पर अब न्यू ईयर ऑफर चल रहा है तो 2022 आ गया आपको पता है, तो उसकी वजह से आपको ऑफर मिल रहा है 22% का। तो इस ऑफर को पाने के लिए हमारा कोड यूज करिए उमंग स्टडी। थैंक यू सो मच, और स्टडी करते रहो। थैंक यू सो मच, चलो बाय।